ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं। शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। भारती तीर्थ मुनि 223 श्लोक से शरीरम किम स्वम अनुज्वरेत, वो अपने शरीर को क्यों संतप्त करे, माने कि वो कभी भी अपने शरीर को संतप्त नहीं करते हैं। आप समझे तो ये विषय पर संतप्त क्या है, अनुज्वरेत तो ज्वर क्या है, और इसलिए कहते हैं स्थूलम सूक्ष्मम कारणम कारणम च शरीरम त्रिविधम स्मृतम। 223वें श्लोक में कहते हैं अवश्य त्रिविधः अस्ति एव तत्र तत्र उचितः ज्वरः। हर एक मनुष्य के 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और तत्र तत्र उचितः उनके योग्य उनके अनुरूप, उचित माने अनुरूप, उनके अनुरूप 3 प्रकार के ताप भी है। आप समझो तो पहले कहते हैं स्थूल शरीर का ताप क्या है, वात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधयः कोटिस्तनौ। अब तनौ तनु मानी शरीर, तनौ शरीर में कोटिश अनेक प्रकार के असंख्य प्रकार के रोग है, लेकिन वो रोग कैसे है, आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखते हैं तो कफ पित्त वात के जन्य, और इसलिए कहते हैं वात पित्त श्लेष्म। कफ की जगह पर यहाँ पर श्लेष्म शब्द का प्रयोग किया है। तो वात पित्त कफ जन्य जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार से व्याधि हो सकती है, ये तीनों में जब असमानता होती, विषमता जब आती है, पित्त की वृद्धि हो जाती है, वात की वृद्धि हो जाती है, श्लेष्म कफ की वृद्धि हो जाती है। अब जब ये वृद्धि होती है तो अनेक प्रकार के व्याधि रोग हमारे शरीर में दिखते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर के अपने गुणधर्म है, दुर्गंधित्व, कुरूपत्व, दाह भंगादय तथा कुरूपत्व, किसी प्रकार से किसी अंग में कुरूपत्व, दुर्गंधित्व, ये शरीर में अनेक प्रकार की दुर्गंध है। आप समझो, मल मूत्र पसीना स्वेद के कारण भी है। कुरूपत्व, दाह, दहन होता है, भंगत्व, अस्थि भंग हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के ताप ये शरीर की दृष्टि से है, आप समझो। फिर मानस ताप क्या है? सूक्ष्म शरीर में ताप है, काम क्रोधादय, शांति अत्याह, लिंग देह गाह। अब देखो, काम क्रोधादय बहुत सुंदर है, देखो ये बहुत विस्तार से हमने देखा। काम क्रोध आदि जो है उनकी हाजिरी से, उनकी प्राप्ति से हमारे मन में संताप उत्पन्न होता है। और इसलिए कहते हैं ज्वर द्वयेपि बाधन्ते, ये दो प्रकार के ज्वर सूक्ष्म शरीर में है। एक काम क्रोधादय है, प्राप्त्या, जिसकी प्राप्ति से हमें हमारे मन में संताप हो सकता है। शांत दान्त्याद्याह अप्राप्त्या, मन में शांति नहीं है, इंद्रियों में शांति नहीं, इंद्रियों में चंचलता है। तो शमह दम शांति दान्ति, आप देखो उनके अप्राप्ति, वो न होने के कारण भी हमारे मन में संताप हो सकता है, हमारे मन में ताप हो सकता है। अप्राप्त्या अप्राप्त्या नरम क्रमात जरद्वयेपि बाधन्ते, इसके कारण भी हम बाधन्ते, आप समझो बाधन्ते माने कि ये हमारे कर्मों में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। ये ज्वर ही है, ताप है, इतना ही नहीं है, वो ऐसे हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न करते हैं, हमारे मन में ऐसे विघ्न उत्पन्न करते हैं कि जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म का हम पालन भी नहीं कर सकते हैं, बाधन थे, आप समझो। एक प्रकार से रुकावट विघ्न हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं। और इसलिए कहते हैं शांति आदि की अप्राप्ति और काम क्रोध आदि की प्राप्ति के कारण हमारे जीवन में इस प्रकार से ताप, संताप, पीड़ा, विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। तो बोले कारण शरीर तो अव्यक्त है, तो कारण शरीर में किस प्रकार से संताप हो सकता है? अब तो कहते हैं स्वम परम च न वेत्ति आत्मा विनष्ट इव कारणे, कारण शरीर में क्या होता है? स्वम परम च न वेत्ति, अपने आप को भी वो जानता नहीं है, दूसरे को भी वो जानता नहीं है। और क्या होता है? विनष्ट इव, जान के वो लय हो गया, उनका विनाश हो गया, क्योंकि है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं विनष्ट इव कारणे, कारण शरीर में अपने आप का विलय हो गया है, अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। आगामी दुख बीजम चैति, कारण शरीर में आनंद है लेकिन वो आगामी दुख, क्यों? क्योंकि जागने के बाद प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो जो भी हमारे जीवन में व्याधि है, जो जो भी हमारे जीवन में संताप है, वो हमें प्राप्त होने वाले हैं। और इसलिए कहते हैं आगामी मानी भविष्य में, जो हमें भविष्य मानी जागने के बाद जो जो हमारे मन में होना है। और इसलिए कहते हैं इति इंद्रेण दर्शितम, बोले कि छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार से इंद्र के द्वारा दर्शाया गया है कि कारण शरीर में भी संताप हो सकता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं एवे ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविकाः मताः, स्वाभाविका शरीर है, मन बुद्धि है, अव्यक्त अवस्था है, तो ये स्वाभाविक प्रकार से हमारे मन में ये संताप होना ही है, आप समझो। वियोगे तु ज्वरैः तानि शरीराणि एव नाशते, अगर ये संताप ही नहीं है तो शरीर भी नहीं रहेंगे। आप देखो ये शरीर का अस्तित्व जो है वो किसके कारण है? ये शरीर जो है स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर जब तक है वहां संताप रहेगा। आप समझो, आदि भौतिक भी संताप रहेगा, आध्यात्मिक भी संताप रहेगा, आदि दैविक भी संताप है हमारे जीवन में। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते आवर लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। हमारे जीवन में अनेक प्रकार से चैलेंज रहते हैं, पड़का रहता है हमारे जीवन। आप समझो, वो नहीं रहेंगे तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। आप समझो, और इसलिए कहते हैं तंतो हो विजय वियोजन पटह वाले व्यह कम्बल यथा। आप देखो तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से अगर तंतो हो वियोजन न पटह, अगर तंतु ही नहीं रहेंगे, तंतु से अलग होकर, वियोजन तंतु से अलग होकर, क्या ये वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है? उसी प्रकार से वालेभ्य ऊन जिसको हम कहते हैं, अगर वो नहीं है तो कंबल रहेंगे? नहीं रहेंगे। मृदो हो घटस तथा देह ज्वरेभ्य अपीति दृश्यता। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमेशा किसी न किसी प्रकार से कंप्लेन करते रहते हैं। ये शरीर है तो कुछ न कुछ होता रहता है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से मिट्टी नहीं रहेगी तो घड़ा भी नहीं रहेगा, उसी प्रकार से ज्वरेभ्यः वियोजन, ज्वर के बिना, संताप के बिना ये शरीर है ही नहीं। आप समझो, ये शरीर नहीं रहेंगे, और इसलिए कहते हैं ये तो रहने वाले ही है। शरीर में इस प्रकार से मन में भी संताप होते रहते। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो जो पाप कर्म है, पाप कर्म के कारण हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ संताप रहेगा। आप समझो, चिदाभासे स्वतः कोपि ज्वरः नास्ति यतश्चितः प्रकाशेक स्वभावत एव दृष्टम न च इतरत। अब लेकिन ये जो संताप है वो कहां पर है? स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में है। आप तो जो है, अब देखो बहुत सुंदर कहते हैं चिदाभास जिसको हम कहते हैं, चिदाभास में ये है ही नहीं। अब जब चिदाभास में ये नहीं है तो फिर एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप प्रकाश स्वभाव जो आप जो है वो आत्मा में तो कैसे संभव है? तो ये संताप कहां पर है? शरीर में है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं प्रकाश एक स्वभावत्वम स्वभावत्वमेव न दृष्ट। जब चिदाभास जीव में ये नहीं है, चिदाभास में ये किसी प्रकार का संताप संभव नहीं है, तो एक अद्वितीय चैतन्य में तो ये संभव है ही नहीं। आप समझो, चिदाभासे अपि असंभाव्य ज्वरा साक्षिणी का कथा। जब चिदाभास में ही नहीं है तो फिर साक्षी में तो कैसे संभव है? एवमेपि एकता मैंने चिदाभास अविद्या। अविद्या के कारण ही चिदाभास और साक्षी को एक मान के हम चल रहे हैं। तो चिदाभास में नहीं है तो साक्षी में भी किसी प्रकार का भी संभव नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत आपको दुख से मुक्त नहीं करेंगे। आप समझो ठीक से, ये वेदांत आपको मोक्ष नहीं देता है। भगवान अर्जुन को ये नहीं कहता कि मैं तुझे शोक से मुक्त करूंगा। आप समझो, भगवान का जो प्रथम प्रतिज्ञा वाक्य जो उपदेश का है वही लोग जो है गड़बड़ करते हैं। भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि शोक से मैं तेरी मुक्ति करूंगा। भगवान ने क्या कहा? अशोच्यानन्व शोचस्त। अर्जुन, शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, अशोच्या, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है। दूसरे अध्याय में भगवान तर्कबद्ध रूप से सिद्ध करते हैं कि शोक संभव ही नहीं है। आप समझो, आत्मा की दृष्टि से भी शोक नहीं, कि न जायते म्रियते वा कदाचित। जब उनका जन्म मृत्यु नहीं है, कोई विकार आत्मा में नहीं है, तो किस प्रकार से शोक होगा? आप देखो, लोग जो है वेदांत आपको शोक से मुक्ति नहीं करा रहे। वेदांत ये कहता है कि आप में आत्मा की दृष्टि से शोक संभव ही नहीं है। आप शरीर की दृष्टि से भी शोक संभव नहीं। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्य अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब देखो ये शरीर का जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु हुआ है तो जन्म होना ही है, तो उनके लिए अपरिहार्य जो उसका हम परिहार नहीं कर सकते, ऐसी जो परिस्थिति संजोग है उनके लिए शोक करना योग्य नहीं है आप समझते। और भगवान कहते हैं धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो भी कोई शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन तो क्षत्रिय है तो युद्ध तेरा धर्म है। आप देखो हरेक मनुष्य का मनुष्य जन्म होते ही हमारे कर्तव्य का आरंभ हो ही जाता है, तो कर्तव्य की दृष्टि से भी शोक संभव नहीं है। जन्म मृत्यु अगर शरीर का जन्म मृत्यु हम मान लेते हैं तो भी संभव नहीं है। आप समझ। और इसीलिए कहते हैं कि ये शोक जो है संभव ही नहीं है। आप समझो पंडिताः न अनुशोचन्ति, जिसने अपने आत्म तत्व का स्वरूप को जान लिया है वो कभी शोक करते ही नहीं है, शोक संभव ही नहीं है। और अगर शोक कर रहा है अर्जुन तो तू पंडित नहीं है। आप देखो प्रज्ञावादांश्च बात, तू बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है पंडित की तरह, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो पंडित है जो विद्वान है कभी शोक नहीं करते हैं। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जब ये संताप जो है सूक्ष्म स्थूल शरीर की दृष्टि से है, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से है, कारण शरीर की दृष्टि से है, लेकिन आत्मा में साक्षी में तो कोई शोक संभव ही नहीं, कोई संताप है ही नहीं। आप समझो साक्षी सत्यत्व मध्यस्य स्वेन उपेत वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते। तो बोले कि तो फिर ये लोग दुखी जो हो रहे हैं, संपूर्ण जगत आप देख रहे हैं, संपूर्ण जगत में लोग जो है शोकग्रस्त हैं, दुखी होते हैं। सब जो बात करते हैं अपने दुख को ही प्रकट करते हैं। आप समझो किसी से भी आप बात करो, किसी न किसी समस्या की बात करेंगे, किसी न किसी दुख की बात करेंगे, किसी न किसी प्रकार से अभाव की बात करते हैं। तो बोले कि ये कैसे संभव हुआ? साक्षी सत्यत्व, आप देखो स्वयं उपेत वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवम्। आप देखो वपुस्त्र ये तीन जो शरीर है वो शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, भ्रम के कारण उनको ही मैं मान लिया है, देह को अहम मान लिया है, स्थूल शरीर को अहम मान लिया है, मन बुद्धि को अहम मान के बैठ गए हैं। और ये भ्रम के कारण वो मान लेते हैं ये मेरे संताप है, स्वस्य एव स्वरूपम। आप देखो आप समझो ये सब में हम बुद्धि करके हम बैठे हैं और इसलिए फिर हम सुखी दुखी होते रहते हैं। वो उसी को अपना स्वरूप मानते हैं, मैं दुखी हूं, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं। आप देखो जो आपका स्वरूप ही नहीं है, लेकिन ये भ्रम करके बैठे, भ्रांति के कारण जो है हम ये क्या करते हैं, दुखी करते, अपने आप को दुखी अज्ञानी मर्त्य मानते हैं हम। महाराज श्री हमेशा कहते थे हमारी मूर्खता के कारण ही हम दुखी होते हैं, अन्य के कारण कोई दुखी नहीं होता है। आप समझो ठीक से आपकी मूर्खता आपको दुखी कर रही है, अन्य कोई आपको दुखी करने वाला नहीं। सुख दुख से न कोपी दाता, भगवान श्री राम भी क्या कहते हैं रामायण में, ये जगत में कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं। इसीलिए हिंदी में ऐसे कहते हैं मानी मानी आयो बंधन में, ये शरीर मन बुद्धि को अहम मान लिया है आपने, ये जगत को मेरा मान लिया, ये अहंता ममता जो है वो आपको दुखी कर रही है। आपकी जो अहंता देहादि में अहंता है, ये जगत में जो ममता करके आप बैठे हैं। आप समझे इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममः निरहंकारः शशांतिम् अधिगच्छति। कहीं पर भी अहंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी ममता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अहंता ममता करके अगर आप बैठे हैं तो अवश्य वो दुखी होंगे आप। और इसलिए कहते हैं जो भी दुख है वो किसके कारण है, ये अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं और उसी को अपना मान लिया, स्वस्थ। आप देखो वो दुख को अपना मान लिया। ज्वर जो है, ज्वरा जो, ज्वर माने ताप, ये शरीर में तप, शरीर तप्त हो रहा है, मान लिया मुझे बुखार आ गया। अब जो शरीर के गुणधर्म है वो अपने ऊपर हमने अध्यारोपित करके रखा है, और इसलिए कहते हैं ये सब मेरा दुख है। दुख में भी ममता करने की आवश्यकता नहीं है। जगत में तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर में जो है उसमें भी हमें ममता करने की आवश्यकता नहीं। मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूं। स्थूल शरीर में रोग है, आप देखो शरीर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये शरीर स्वयं विकारी है। जो विकारी है उसमें ये रोग, व्याधि, संताप होना ही है, लेकिन उसमें हमें ममता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चिन्मयानंद जी के पास कोई गया तो नियमित रूप से वो प्रवचन वेदांत के वर्ग में जाता था, 2-3 दिन वो नहीं गया। फिर जब वो दिखा तो चिन्मयानंद जी को प्रणाम करने गया तो स्वामी जी ने ऐसे ही पूछ लिया ना, 2-3 दिन क्यों नहीं आए? तो बोले स्वामी जी बहुत दुखता था, बहुत हेडेक था, और पता नहीं स्वामी जी इतना हेडेक था ना। तो चिन्मयानंद जी के यू हैव अ हेड देयरफॉर देयर इज अ हेडेक, आप समझ। मस्तक है तो फिर दर्द होना ही है, आप समझ। हृदय है तो अटैक आएगा, लेकिन उसमें अहंता ममता करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। साक्षी भाव से देखना, इसलिए आगे के श्लोक में कहा ना का साक्षी ने कथा, साक्षी में कैसे हो सकता है? आगे देख के गए हो, साक्षी चिन्मात्र सदा शिव असंग। आप देखो, आप तो असंग साक्षी स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप आत्मा में कोई संताप नहीं। ए तस्मिन् भ्रांति काले अयम शरीरे सुज्वरः स्वथ स्वयमेव ज्वरामि इति मन्यते। जो हो रहा है वो स्थूल शरीर की दृष्टि से हो रहा है, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से हो रहा है, लेकिन भ्रांति काले, जब भ्रांति करके मानी अहम बुद्धि करके जब हम बैठे हैं, स्वयमेव ज्वरामि, आप देखो स्वयं संतप्त होते हैं, मैं दुखी हो गया। आप समझो, दुखी होना ये मूर्खता है, आप समझो ठीक से, क्योंकि भ्रांति जन्य है। जहां सर्प नहीं है वहां सर्प देख के वो भयभीत हो रहा है, उनके हृदय के धड़कन बढ़ गई है, पसीना छूट रहा है, भागने के लिए प्रयास कर रहा है। तो भ्रांतिजन्य सर्प है। उसी प्रकार से ये भ्रांति जन्य जो है उसी में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। कुटुंबीवत माने क्या है? पुत्र को कुछ हो जाता है तो माता इतनी विह्वल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है। पुत्रधारेषु तप्यत्सु तपामीति वृथा। पुत्रधार, पतधार माने पत्नी। कोई कुटुंबी जो जन है, कुटुंबी जन में अगर कुछ हो जाता है तो वो स्वयं संतप्त हो जाता है। मन्यते पुरुष तद्वद आभासः अभिमन्यते। उसी प्रकार अभिमन्यते, अभिमान करके, मिथ्या अभिमान करके बैठे हैं, और ये शरीर आदि में मिथ्या अभिमान करके हम बैठे हैं, और इसलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। विवेचत भ्रांति उज्जित्वा, तो करना क्या है? हम आगे देख के गए, विवेक ही करना है, अन्वय व्यतिरेकम। जब हम विवेक करते हैं तो विवेक के कारण ये जो हमारा संताप है वो संताप की भी निवृत्ति हो जाएगी। चिंतयन साक्षिणम कस्मात् शरीरम समनुज्वरेत। एक बार जान लिया मैं असंग साक्षी चैतन्य स्वरूप हूं, फिर किस प्रकार का समनुज्वरेत, किस प्रकार का वो संताप उसको होगा। जो दृष्टांत मैंने दिया ना, वही 235वें श्लोक में कहता है, अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु फलायने अवस्तु। अयथा वस्तु है ही नहीं, वहां रस्सी है, रज्जू है, लेकिन सर्प की भ्रांति करके हम बैठे हैं, और फिर हम भागने का भी प्रयत्न करेंगे। उससे छूटने का प्रयत्न करेंगे उसी प्रकार का। लेकिन वहां पर पलायन होना ये उनका उपाय नहीं है। उनका उपाय तो क्या है? रज्जु ज्ञाने अहिधि ध्वस्तौ। जब रज्जु ज्ञान होता है तब अहिधि, अहि माने सर्प, सर्प बुद्धि का नाश हो जाता है। एक बार सर्प बुद्धि की निवृत्ति हो गई। कुरुतमपि अनुस, अब फिर कोई प्रकार का शोक संभव नहीं है। जब तक सर्प बुद्धि है तब तक ये शोक है। और इसीलिए जब रज्जु का ज्ञान होता है तो वो स्वयं में पश्चाताप करता है, अरे मैंने ये क्या सर्प बुद्धि करके रख दी। अनुशोचन माने कि अनुशोचन की भ्रांति के कारण, सर्प बुद्धि के कारण मैं भागने का प्रयत्न कर रहा था, मैं डर गया था, भयभीत हो गया था। उसी प्रकार से एक बार जिसने अपने आत्म तत्व को जान लिया फिर उनको कोई किसी भी प्रकार के कोई संताप की आवश्यकता ही नहीं है। आवृतम आवृत पाप अनुवृत्त्यर्थम स्नानादि आवर्तते यथा आवर्तयन इव ध्यानम सदा साक्षी परायणः। तो बोले कि तो चिंतन क्या करना है? साक्षी परायणः। आप समझो तो दृष्टांत देते हैं, जिस व्यक्ति ने कोई कुछ अधर्म करके रख दिया, कोई पाप कर्म किया है तो वो क्या करेगा? स्नान आदि, कुछ अस्पर्श वस्तु का स्पर्श हो गया है तो फिर हमें स्नान करना पड़ेगा। आप समझो, जब भी हम अधर्म करते हैं तो प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। देखो, इसलिए जो लोग क्रोधी होते हैं ना, बार बार वो क्रोध करते रहते हैं, फिर क्रोध करके वो अपने आप ही पश्चाताप करते रहते हैं। आप समझो, तो बोले कि जो लोग का अधर्म होता है तो उनके लिए स्नान आदि पश्चाताप का सेवन करते हैं। उसी प्रकार से आवर्तयन इव ध्यानम सदा साक्षी परायणः, सदा साक्षी परायणः। जब परायण होते हैं, भोग परायण होते हैं, विषय परायण होते हैं, हमें क्या करना है? साक्षी परायण है ध्यान। हम ये चिंतन, आत्मचिंतन करते रहे, मैं असंग साक्षी स्वरूप हूं। लेकिन जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो उनके मन में एक पश्चाताप रहता है, एक लज्जा रहती है। अरे मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं और ये जन्म जन्मांतर से मैं दुखी होता था। तो अपने आप में एक प्रकार से लज्जा का अनुभव होता है कि ये क्या करता था, मेरी मूर्खता तो देखो, वहां रज्जू है, मैं सर्प बुद्धि करके बैठ गया था, ये मेरी मूर्खता है। तो अपनी मूर्खता पर उनको लज्जा आती है, संकोच होता है मन में। उसी प्रकार से जिसने अपने को साक्षी चैतन्य मान के रखा है उनके मन में भी ये संकोच होता है, अरे मैं असंग साक्षी चैतन्य हूं, जन्म मृत्यु रहित चैतन्य में हूं और मैं अपने आप को क्या मान के बैठ गया था। इस प्रकार से उनके मन में भी संकोच होता है। और ये चिंतन जो हमें करना है, आप समझो 240वें श्लोक में कहते हैं, यौव राज्य स्थित राजपुत्र साम्राज्य वांछया राजा अनुकारी भवति यथा तथा साक्षी अनुकार्यम। जो युवराज है राजपुत्र है, उनको बोध है कि साम्राज्य वांछया, पिताजी के बाद उत्तराधिकारी मैं हूं, मैं युवराज हूं, मैं राजा बनने वाला। तो वो किसका अनुसरण करेंगे? राजा का अनुसरण। राजा अनुकारी भवति, अपने पिताजी जो है, जो राजा है, उनका अनुसरण वो करता रहेगा। उसी प्रकार से आप साक्षी चैतन्य है तो आपको भी क्या करना है? साक्षी अनुकार्यम, साक्षी अनुकारी अयम। आपको भी साक्षी अनुकारी बनना पड़ेगा। साक्षी असंग है तो आपके जीवन में भी वो असंगता लानी पड़ेगी। साक्षी निर्विकारी है तो वो मैं निर्विकारी चैतन्य, किसी भी प्रकार का विकार असंभव नहीं है। महाराष्ट्र इसलिए कहते झूठ मूठ ही मान लो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मान लो उनके अनुरूप आप जीवन जियो, पूर्णता में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। देखो हमारा जीवन जो है वो क्या है, ये संसार है ना, उसमें समस्या रहेगी ही रहेगी। कई लोग हैं वो अभाव के कारण दुखी है, मेरे पास ये नहीं इसलिए मैं दुखी हूं। कई लोग को अभाव के कारण दुख है, कई लोग के भाव है लेकिन उसमें भी अल्पता का अनुभव होता है, मेरे पास इतना ही है तो इसलिए वो दुखी हो रहा। आप देखो कोई अभाव में दुखी होता है, कोई भाव में दुखी होता है, आप समझो। और तीसरे होते हैं जिसके बाद सब है वो स्वभाव से दुखी होते हैं, आप समझो ठीक से। कोई भाव में दुखी है, कोई अभाव में दुखी, कोई स्वभाव से दुखी है, लेकिन उनका अनुसरण हमें नहीं करना है। साक्षी अनुकारी अयम, जो हमारा स्वरूप है उनका अनुसरण हम करें। मैं निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप में हूं जिसमें अज्ञान किसी भी प्रकार के संभव नहीं है। तो हमारा जीवन जो है वो साक्षी परायण बनना चाहिए, और इसलिए कहते हैं यो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुति ही। जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। आप देखो, आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आप समझना, आप ब्रह्म स्वयं, अभी भी आप पूर्ण ब्रह्म है। आप देखो अज्ञान अवस्था में भी जिस प्रकार से, जब आपको सर्प का दर्शन हो रहा है, सर्प की भ्रांति हो रही है, तब वहां पर तो रज्जु ही है। उसी प्रकार से आप जब ये देहादि में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, ये जगत में ममता करके बैठे हैं, तब भी आप तो असंग साक्षी चैतन्य स्वरूप है ही। तो जो अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म है, उनको बनना नहीं है। श्रुत्वा एतद् एक चित्त सन ब्रह्मवेत्ति न चैतरत। एक चित्त सावधानता पूर्वक ये श्रवण करके ये अपने ब्रह्म स्वरूप में जो स्थित हो जाता है न इतरत, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है आपको, अन्य किसी में भी अहम बुद्धि करने की आपको आवश्यकता नहीं है। न इतरत, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं, आप समझो ठीक से। ईशावास से इदगुम सर्वम, आत्मावा इदगुम सर्वम। देखो संपूर्ण जगत जो है वे ब्रह्म मात्र है। तो हमारा चिंतन जो है मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, अपनी पूर्णता का, अपनी असंगता, अपनी निर्विकारिता का हम चिंतन करते हैं सावधानता पूर्वक। हम कल देख के गए श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, आदर पूर्वक हमें ये चिंतन करना है। जितना आप चिंतन करते रहेंगे, जितना आप साक्षी बुद्धि करते रहेंगे, साक्षी भाव करते रहेंगे, उतना ही ये सब जो आपको ये दुखी कर रहे हैं, कुछ दुखी नहीं करेंगे आप। देवत्व कामा हि अज्ञादौ प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वेन अवशेषाय स्वविनाशं सवांछति। आप देखो देवत्व कामाः, जिसको ये देवत्व प्राप्त करना है तो यहाँ ये जन्म में, आप देखो इस जन्म में वो क्या करेंगे, त्याग करेंगे, धन का त्याग करेंगे, अपने शरीर का भी वो त्याग कर देंगे, क्योंकि उनको देवत्व की प्राप्ति करनी। उसी प्रकार से ये जो चिदाभास है वो भी क्या करेगा, वो साक्षी में अपने आप को समर्पित कर देता है, चिदाभास भी नहीं रहेगा। अब साक्षित्वेन अवशेषाय स्वविनाशं सवांछति, साक्षित्वेन मैं साक्षी स्वरूप हूं, एक बार ये साक्षी स्वरूप में अहम बुद्धि हो गई तो ये चिदाभास भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। यावत् स्वदेह दाहं स नरत्वं नैव मुञ्चति यावत् आरब्धे अहं स्यान् आभासत्व विमोचनम। तो कहते हैं जिस प्रकार से इस देह का दाह नहीं होता है तब तक ये नरत्व नर बुद्धि रहेगी। मैं मनुष्य हूं, यह मनुष्य बुद्धि रहती। मनुष्य शरीर का जब तक दाह नहीं होगा तब तक जीव के अंदर मैं मनुष्य हूं यह भाव रहता है। उसी प्रकार से यावत आरब्ध देहम स्यान, जब तक ये देह जो है प्रारब्ध कर्म से प्राप्त जो ये देह है तब तक ये चिदाभास के कारण ये अहंता ममता दिखेगी हमें। आप समझो आभास आभास रूप में प्रतीत होता है, कर्म भी दिखते हैं, कर्तृत्व भी दिखता है, भोक्तृत्व भी दिख रहा है, ये सबकी प्रतीति होती रहती है। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये लौकिक व्यवहार होते रहेंगे। कल आगे हमने देखे ज्ञानी भी प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही जीवन जीते हैं, अज्ञानी भी प्रारब्ध कर्म के अनुरूप है, लेकिन ज्ञानी जो है उसमें अहंता ममता नहीं करते। अकर्ता अभोक्ता आत्मा में स्थित होकर ये सब कर रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। कितने भी कर्म करते हुए भी अंदर से वो जानता है मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, मैं कोई कर्म नहीं करता हूं। अब रज्जु ज्ञाने भी कंपादी, तो बोले ऐसा कैसे संभव है? प्रारब्ध कर्म है तब तक ये सब होता रहेगा। तो ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म के कारण ये संभव है, तो कैसे संभव है? तो बोले कि जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है, ये रज्जु है ये ज्ञान हो गया, सर्प की निवृत्ति हो गई। लेकिन सर्प बुद्धि के कारण उनके कारण जो शरीर आदि में जो उनकी असर उत्पन्न हुई है, कंपादी, अब हृदय की धड़कन बढ़ गई है, शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर में पसीना छूट रहा है, और भागते समय अगर कुछ लग गया मस्तक पर तो घाव भी बनेगा। तो बोले कि रज्जु का ज्ञान तो हो गया, सर्प की निवृत्ति हो गई, लेकिन सर्प बुद्धि के कारण जो जो हमारे मन में हमारी बुद्धि में हुआ है वो तुरंत निकलेगा नहीं। शनै ही वो उपशाम्यति। उसी प्रकार से पुनः मंद अंधकारे सा रज्जु क्षिप्त उरगी भवेत्। पुनः मंद अंधकार, मंद अंधकार है तो पुनः वो सर्प उनको दिखेगा, लेकिन उनको सर्प बुद्धि वो सत्य नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के बाद भी प्रारब्ध कर्म है और प्रारब्ध कर्म के अनुरूप कर्म भी होते रहते हैं, सुख दुख भी होता रहता है, प्रतिकूलता अनुकूलता भी जीवन में है, लेकिन वो स्वयं में सुखी दुखी नहीं होता है। आप समझिए, लेकिन उनकी जो असर है वो दिखेगी। एवं आरब्ध भोगोपि शनैः शाम्यति नो हठात। हठात मानी अचानक ये सब शांत नहीं हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म से जो हमें, जो प्रारब्ध शब्द ही हमें समझना है ना, प्रारब्ध मानी जो प्रकर्षण, जो अच्छी तरह जिसका आरंभ हो गया है। अब एक बार ये कर्म फल देने के लिए आरंभ जिसका हो गया है उनका हम अंत नहीं कर सकते। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये सब रहेगा। भोग काले कदाचित् तु मर्त्यहमिति भासते। और ये प्रारब्ध कर्म का जब तक भोग होता रहता है तो भोग काल में कभी कभी ये आभास होता रहता है, कभी ऐसा भाव आ भी जाता है मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, कभी ऐसा हो भी जाता है। आप समझो, लेकिन उससे उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान में कोई वृद्धि और क्या ज्ञान में कोई नुकसान नहीं है। आप समझो, भगवान भी कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न ऐसा प्राप्य विमुह्यते। एक बार जिसकी ब्राह्मी स्थिति होगी, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप असंग चैतन्य स्वरूप में हूं, जिसमें निष्ठा हो गई जिसकी, फिर प्रारब्ध कर्म के अनुरूप सुखी दुखी भी होते रहेंगे। आप समझो, एक क्षण के लिए मैं मरते हूं भी कह देंगे वो, नए तावत अपराधेन तत्वज्ञानम विनश्यति। लेकिन ऐसा कोई ऐसी कोई भ्रांति होने से उनका तत्वज्ञान के नाश नहीं होता है। जीवन मुक्ति व्रतम नईदम किंतु वस्तु स्थिति खलो। अब देखो तो इस प्रकार से ये होता है। आत्मज्ञान की उनकी निवृत्ति कभी भी नहीं होती। आप समझो, एक बार आत्मज्ञान हो गया उनकी निवृत्ति उनका विनाश संभव नहीं है। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं इग्नोरेंस गोज फॉर एवर, नॉलेज कम्स फॉर एवर। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, पुनः अज्ञान की संभावना नहीं है और ब्रह्म ज्ञान के नाश की भी कोई संभावना नहीं है। आप ठीक से समझो, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हम देखेंगे। ज्ञानी भी सुखी दुखी होते रहेंगे, कभी ज्ञानी में भी क्रोध आएगा, देखेंगे प्रारब्ध कर्म के अनुरूप है। उनके अपने संकल्प से, उनके अपने तरफ से नहीं है ये। दशमोपि शिरस्ताडम रुदन बुद्धवा न रोदिति। जिसने अपने आप को जान लिया मैं दशवा हूं तो रो न रोदती, रोना बंद हो जाएगा उनका। लेकिन शिरस्ताडम, कई बार हम ऐसा करते हैं, तो शीर ताड़न के कारण उनका जो व्रण हुआ, घाव जो हुआ है, वो क्या होगा? मासे न शनैः शाम्यति नो तदा। तदा मानी जब उनको ज्ञान हो गया मैं दशवा हूं, तो दशवा हूं मैं ज्ञान हो गया, लेकिन शीर पर जो घाव उनका हुआ है वो घाव तुरंत नहीं जाएगा। दशमा अमृति लाभे न जातः हर्षः व्रणव्यथाम। अब देखो, तो एक बार जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर अब देखो मैं दसवां हूं जो ज्ञान हो गया, फिर जो थोड़ा कुछ घाव है उनके लिए वो आनंद इतना है कि ये घाव उनके लिए गौण बन जाता है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं दशमा अमृति लाभे न जातः हर्षः। मैं दसम हूं, अब उनके कारण जो आनंद उनके मन में जो है वो आनंद के कारण, घाव के कारण जो पीड़ा हो रही है वो उनके कारण गौण हो जाएगी। अब देखो तिरोधत्ते मुक्ति लाभ तथा प्रारब्ध दुखिता। उसी प्रकार से जिसने अपने को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वो अपने को मुक्त मानता है। अब देखो मैंने कहा ना, आपको मुझे मुक्त नहीं करना है, आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है तो फिर मोक्ष ही है, आप नित्य मुक्त आत्मा है। और अपनी मुक्ति का लाभ जिसको मिल गया है, फिर ये प्रारब्ध कारण जो सुखी दुखित्व होता है उनके कोई महत्व नहीं रहेगा। आप देखो, और इसलिए कहते हैं मुक्ति लाभ तिरोधत्ते प्रारब्ध दुखिताम। अब मुक्ति लाभ जो है, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूं, ये जो लाभ उनको प्राप्त हो गया है और इसके कारण उनके प्रारब्ध से जो सुख दुख प्राप्त कर वो उसको ढक जाते, तिरोधत्ते माने कि ढक जाते हैं, माने कि गौण बन जाते हैं। व्रात अभावाद अध्यासस्तदा भूयः विविच्यताम् रससेवी दिने भुंक्ते भूयो भूयो यथा तथा। जिसको ये व्रत, व्रत माने क्या है, व्रत अभावात, जो रसायन का सेवन करता है ना, रस सेवी दिने भूंगते, फिर उसको इतनी भूख लगती है कि फिर वो पुनः पुनः वो कुछ न कुछ खाता रहता है। आप देखो रस सेवन किया है और उसके कारण उसकी जो क्षुधा है, उनकी जठराग्नि जो संतप्त हो गई, जठराग्नि जो है प्रज्वलित हो गया है और इसीलिए प्रज्वलित इतना हो गया है कि वो बार बार खाएगा। उसी प्रकार से जिसको अपने जीवन मुक्ति का आनंद मिल गया है तो वो पुनः पुनः क्या करेगा, प्रारब्ध से दुख की चिंता करेगा या अपनी मुक्ति का आनंद प्राप्त करेगा। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि अपने मुक्ति में ही उसको उनका मन लगा हुआ है, मैं नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा हूं। और इसलिए कहते हैं समत्य औषधेन अयम दशम स्वम्रणम यथा भोगेन शमयित्वा एतत् प्रारब्धम् उच्यते। इस प्रकार से औषधि से ही उनका शमन हम करते हैं, या तो फिर जो दशमा है उनका व्रण जो है, उनका घाव जो भर जाता है। उसी प्रकार से जब प्रारब्ध कर्म शांत हो जाता है तो उनको क्या होता है, प्रारब्ध शमयित एतद् मुच्यते भोगेन, इस प्रकार से जीते जी उनको जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। और प्रारब्ध कर्म जब शांत हो जाता है तब उनको विदेह मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, माने कि विदेह मुक्ति माने कि पुनः नया देह उनको प्राप्त करना नहीं पड़ता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ना नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि मिच्छनीति वाक्य उक्त शोक मोक्ष उदीरित आवश्य से ही अवस्था ऐसा, इस प्रकार से किमिच्छन कस्य कामाय के द्वारा किसी भी भोग्य पदार्थ के उनमें मन में इच्छा नहीं रहती है और शोक से भी उनकी मुक्ति हो जाती है। आभासस्यैव अवस्था एषा, ये जो सुख दुख है ये जो है वो आभास की अवस्था है, लेकिन जो सप्तमी अवस्था जो तृप्ति अवस्था है, हम देख रहे हैं ना 7 अवस्था, अज्ञान है, अज्ञान के कारण विक्षेप है, अज्ञान के कारण आवरण है, फिर परोक्ष ज्ञान है, फिर अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान के शोक की निवृत्ति होती है और नित्य तृप्ति की उनको प्राप्ति होती है। तो बोले जिसने अपने स्वरूप में स्थिति कर दी है उनको तो ये नित्य तृप्ति जो 7वीं अवस्था जो चिदाभास की हमने चिंतन किया था उसमें उनकी स्थिति हो जाती है। सांकुशा विषय तृप्ति ही यम तृप्ति निरंकुशा, विषय से जो हमें तृप्ति प्राप्त होती है वो सांकुश माने की मर्यादित होती है, अल्प होती है। लेकिन ये आत्म तृप्ति निरंकुशात कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तमिति, आत्मज्ञान से जो हमें तृप्ति प्राप्त होती है वो तृप्ति निरंकुशा माने की अनंत तृप्ति है। आप उनका कोई अंकुश माने की कोई मर्यादा नहीं है, उनकी कोई अल्पता, कोई मर्यादा, कोई अभाव नहीं है। और इसलिए कहते हैं एक बार जिसने ये आत्म तृप्ति जो 7वीं अवस्था जो है, परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान से शोक की निवृत्ति हो जाती है और अपने जो आनंद स्वरूप में उनकी स्थिति होती है। देखो इसलिए पहले प्रकरण का जो वाक्य है याद रखना है, यम संवित आत्मा परानंद है, ये जो चैतन्य स्वरूप है वो आत्मा जो है वो परम आनंद स्वरूप है, अनंत आनंद स्वरूप है। और एक बार अपने अनंत आनंद स्वरूप जिसने प्राप्त कर लिया है, कृतम कृत्यम, उनके लिए जो करने योग्य कृत्य, कृत्य माने करने योग्य जो है सब हो गया है, उनको कोई कर्म करने का बाकी नहीं है उनके लिए। प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करने योग्य है सब उनको प्राप्त हो गया है, कुछ नया उनके लिए प्राप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान भी यही कहते हैं, यल्लाभान्न परं लाभः मन्यते अधिकम ना अधिकम ततः, ये आत्मलाभ जो है पूर्णता का जो लाभ है उससे अधिक और कोई लाभ है ही नहीं। यम लब्ध्वा गुरुणापि न विचाल्य थे, प्रारब्ध कर्म से किसी भी प्रकार का कोई महान दुख भी उनके जीवन में आ जाता है लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं, न विचाल्य, क्योंकि अपने मुक्ति का जो आनंद उनको है, अपने आत्मा के परानंद परम आनंद स्वरूप की जो तृप्ति उनको प्राप्त हो गई है, तो प्रारब्ध कर्म से जो उपलब्ध हो रहा है वो उनके लिए गौण बन जाता है। और इसीलिए ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्धि मुक्तेश्च सिद्धये बहुकृत्यं पुरास्मात् अभूत तत्सर्वम् अधुना कृतम, इस लोक में और परलोक की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कर्म हमें करने पड़ते हैं, लेकिन ये ज्ञानी के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप समझो ये बात, धन कहते हैं या संपत्ति कहते हैं या सत्ता कहते हैं, आप समझिए स्वर्ग है, देवत्व है, ये सब जो है किसके लिए है? धन धन के लिए नहीं है, वो आपको आनंदित करता, आपको सुख देता है कि नहीं देता है। हम वाक्य देखिए, न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। आपकी प्रीति, आपकी प्रसन्नता, आपका सुख महत्व का है। अगर धन है, संपत्ति है, सत्ता है, ये अगर वो आपके दुख का कारण बन जाएगा तो उनका भी आप त्याग कर देंगे। अब जब आपने जान लिया हमें परम आनंद स्वरूप हूं, तो फिर ये छोटे छोटे आनंद में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। आप समझो ये, और इसलिए कहते हैं अधुना परमानंद की प्राप्ति हो गई है तो ये कर्म में भी कोई उनको रुचि नहीं रहेगी, कोई विशेष प्रकार की प्राप्ति करनी है वो भी नहीं रहेगा। प्रारब्ध से अगर प्राप्त हो गया तो ठीक है, प्रारब्ध से अगर प्राप्त नहीं भी हुआ है तो वो अप्राप्ति में दुखी नहीं होते हैं। आप समझो, प्रारब्ध से जो भी हो रहा है वो होने रहे, लेकिन नहीं है तो भी उनके मन में दुख नहीं है, क्योंकि एक बार अपने आनंद स्वरूप को जान लिया है तो ये छोटे छोटे आनंद के लिए वो कभी सुखी दुखी नहीं होते हैं। तदेतत् कृत्य कृत्यम, क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए, स्वर्ग के लिए कर रहे हैं। स्वर्ग में जाके स्वर्ग के सुख को हमें प्राप्त करना है। तो कहते हैं स्वर्ग सर्वलोकात्मक कस्मद अनुतिष्ठामि कम कथम, ये कर्म में क्यों करूं? अब देखो, क्योंकि कर्म करने की आवश्यकता नहीं, मैं परम आनंद स्वरूप जान लिया है, उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप देखो, निद्रा भिक्षे स्नान शौच न इच्छामि न करोमि। निद्रा है, भिक्षा है, स्नान है, शौच है, प्रारब्ध से जो हो रहा होता है। दृष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किम में स्याद् अन्य कल्पनात्, अन्य कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से कर्म में कोई रुचि नहीं है, कोई उनकी महत्ता है ही नहीं, क्योंकि ये सब आरोपित है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आरोपित है। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है तो कर्म किस प्रकार से उनको उपयोगी होगा? और इस प्रकार से कहते हैं अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार विनापि अयम विपर्यासम, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार से जो भी विपरीत भावना है वो प्रारब्ध कर्म से मैं मनुष्य, ये उन प्रकार की भावना भी जो उनके मन में रहती है वो भी किसके कारण है? व्यवहारिक रूप से उनको प्रारब्ध कर्म से व्यवहारिक रूप से रहेगा। लेकिन प्रारब्ध कर्माणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते, लेकिन प्रारब्ध कर्म का जब अंत आ जाता है फिर ये सब भी मुक्त हो जाते हैं। तो व्यवहार काल में ये सब दिखेगा हमें, हम देख के गए आगे। आप सब जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है जिसके कारण वो अल्प में कभी इच्छा नहीं करते हैं। अबाधिकम व्यवहृतिम पश्यन् ध्यायामि अहम कुतः, फिर उनके जीवन में जो है ध्यान भी क्या है, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। फिर विशेष प्रकार से ध्यान करने की भी उनको आवश्यकता नहीं, किसका ध्यान करूं? अब देखो क्यों, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः विक्षेप यस्मान में न समाधिस्तता ममा न। अब देखो मैं निर्विकारी चैतन्य हूं, अचल हूं। अब देखो भगवान कहता है अचल है। अब अचल किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं है तो किसके लिए मैं समाधि करूं, किसके लिए ध्यान करना है? विक्षेप वा समाधिर्वा मनसा स्याद् विकारिणी, विक्षेप जिसको आप कहते हैं, समाधि जिसको आप कहते हैं, ये तो सब मन का विकार है। आप समझे, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं तो किसी प्रकार से ध्यान की भी आवश्यकता नहीं। नित्यानुभव स्वरूप को मैं व अनुभव पृथक, नहीं, बोले ये समाधि का जो फल है ना, समाधि का आनंद प्राप्त करना। बोले मैं ही नित्य अनुभव स्वरूप हूँ, क्योंकि एक विशेष प्रकार के अनुभव की आवश्यकता है। देखो आगे हम देख के गए सब, एक विशेष अनुभव ब्रह्म ज्ञान नहीं है, एक विशेष अनुभव समाधि नहीं है, आप समझना ये, क्योंकि आप स्वयं अनुभव स्वरूप, माने कि सर्व अनुभव में आपका तो अनुभव हो ही रहा, मैं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। आप देखो तो एक विशेष अनुभव को आप ज्ञान कहेंगे क्या? ये जितने आजकल ये ध्यान चल रहा है ना, मुझे माफ करना, मुझे बोलना पड़ता है, ये जितने ध्यान करने वाले हैं, ध्यान के बाद क्या करते हैं, सबके अनुभव पूछते हैं, आपको क्या अनुभव, आपको लाल दिखा, पीला दिखा, क्या पागलपन है ये? आप सब विशेष अनुभव को और आपको ले जाते हैं, और उससे आगे चल के दिव्य अनुभव, स्वयं अनुभव स्वरूपत्वात्। आप देखो आप स्वयं हो, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप, आप स्वयं अनंत आनंद स्वरूप है, फिर एक विशेष अनुभव के पीछे क्यों पड़ना है हमें? स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, ये जितने ध्यान करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए स्वामी जी का एक शब्द बना के रखा था स्वामी जी ने, एक्सपीरियंस हंटर, एक विशेष अनुभव के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग, और विशेष अनुभव को ही वो ज्ञान मान के चलते हैं, और इसलिए कहते हैं नित्य अनुभव स्वरूप से को में व अनुभव पृथक, एक विशेष पृथक अनुभव की मुझे क्यों आवश्यकता है? आप देखो ये पागलपन मत करना आप लोग, जितने भी ये ध्यान वाले हैं ना, अंत में तो यही करते हैं, 2 दिन 3 दिन का ये शिविर लगता है, लगाते हैं, फिर अंतिम दिन क्या करते हैं, आपका अनुभव दर्शाओ। एक बार हमारे एक वेदांती दादा थे, अब नहीं रहे वो, तो वे वेदांत सुनते थे, अब कोई एक ध्यान की शिविर लग गई, तो बोला चलो देखते हैं वो क्या करते, वो देखने गए, अब सबको ध्यान करवाया, वो भी ध्यान करते थे। अब तीसरे दिन जब शिविर का अंतिम दिन था ना, तो मध्याह्न के बाद सबके अनुभव की बात करने की, तो सब बोल रहे थे मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे ये हुआ, और ध्यान के समय भी कोई ऐसे कूद रहा था, कुछ कंपन कर रहा था, कुछ क्यों था। अब ये दादाजी को कुछ हुआ ही नहीं, अब समझो। तो मध्याह्न के बाद दादाजी को किसी ने पूछ लिया आपको कुछ हुआ, बोला मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब देखो तो एक विशेष अनुभव को आप ध्यान कहेंगे क्या? एक विशेष अनुभव को आप ब्रह्म ज्ञान कहेंगे? ये पागलपन मत करना। ध्यान आवश्यक है, हम मना नहीं करते, भगवान ने एक 6वां अध्याय पूरा ध्यान के लिए रखा है, लेकिन ध्यान में या समाधि में एक विशेष अनुभव को हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि आप स्वयं हैं। स्वामी जी के बहुत, मेरे ख्याल से 85 में 1984 स्वामी जी सूरत आए थे, तब स्वामी जी सुबह में प्रातः काल का जो विषय था ना, मेडिटेशन ऑन मेडिटेटर, ध्याता का ध्यान। आप देखो जो ध्यान करने वाला वो स्वयं ध्यान का विषय है। आप देखो तो विशेष अनुभव की अपेक्षा मत रखो आप, फिर आप वो अनुभव का आप नाम देते रहते, ये दिव्य अनुभव है। स्वामी जी हम वहां गए थे, इतनी दिव्य अनुभूति हमें हुई। आप स्वयं दिव्य हो, आप स्वयं दिव्य आत्मा, दिव्य मानी स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप हो। व्यवहार अलौकिक वा शास्त्रीय वा अन्यथापि, फिर कर्म व्यवहारिक कर्म है, लौकिक कर्म है, शास्त्रीय कर्म है। आप देखो मामा अकर्तु अलेपस्य, मैं अकर्ता आत्मा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार से कुछ लेपायमान नहीं कर सकता है। यथा आरब्धम प्रवर्तताम, जिस प्रकार से प्रारब्ध है उस प्रकार से वर्तताम, उसी प्रकार से मैं कर्म करता रहता हूँ, बाकी ये कुछ मुझे किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं कर सकता है। आप समझो ठीक से, लौकिक व्यवहार भी होता रहता है, शास्त्रीय व्यवहार भी हो रहा है, ये सब व्यवहार होते रहेंगे। लेकिन मैं अकर्ता आत्मा हूं और इसलिए किसी भी प्रकार से ये मुझे लेपायमा नहीं कर सकते हैं। आप समझे, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति, कर्म करते हुए भी वो स्वयं कोई कर्म नहीं, कर्मणि अकर्म या पश्य, कर्म करते हुए भी अपने अकर्ता आत्मा का जानते हैं, इसलिए कोई कर्म है ही नहीं, अकर्म है वहां पर, और कोई कर्म उनको लेपायमान भी नहीं करते हैं, न करोति न लिप्यते। आप समझो, यस्य नास्ति अहं अहंकृति ही बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् न करोति न निबध्यते। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं जिसमें अहम कृति माने की देहादि व अहम बुद्धि जिसको रही नहीं है, और जिसकी बुद्धि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से लेपायमान नहीं हो रही है, जिसकी बुद्धि में यह दृढ़ ज्ञान हो गया है मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं। अगर कोई ऐसे संजोग बन गया और तीनों लोक का अगर वो नाश भी कर दे, हत्वा से ईमान लोक का, न करोति न निबध्यते, न तो वो कोई कर्म कर रहा है और न किसी भी प्रकार से उनको बंधन होता है। आप समझो ये ठीक से, और इसलिए कहते हैं ये जो कृतकृत्यता है वो हमें अनुभव करना है, इनका देखना, अनुभव माने ये हमारे मन में ये स्पष्ट होना है कि मैं अकर्ता अभोक्ता असंग चैतन्य हूं, और जिसको ये प्राप्त हो गया फिर प्रारब्ध कर्म से जो हो रहा है वो उनको होने देता है, उसमें किसी भी प्रकार से वो विक्षेप नहीं करता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम् महेशाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।